और आज फाइनली मुझे अच्छी खासी सुस्ती हो गई। Everyone, assalamu alaikum janab, this is me Laraib from Obsessions by Laraib. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और मुझे पता है कि सब लोग तकरीबन अपनी ईद सोकर गुजारते हैं. सो लेट मी टेल यू, मेरी आंखें सूजी हुई हैं. आज ईद डे 3 है, मैं बहुत लेट सो के उठी हूँ. अभी दोपहर हुई है एंड जस्ट वोक अप फ्यू आवर्स बैक. थर्ड डे एट लीस्ट आई विल बी मेकिंग सम वीडियोस बिकॉज दो दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. सो सबसे पहली रीज़न अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बनाए चांद रात, बिकॉज ईद वाले दिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ. एक दिन पहले एसी को कोई ऐसी मौत पड़ी कि वो बंद हो गया एंड इट वाज हॉरिबली हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि ईद का दिन होता है और एसी ठीक करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता. सो दैट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस और दैट्स वाई मेरे पास चांद रात की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है. मैंने बहुत ज़्यादा मेहंदी भी लगाई बट मूड इतना अजीब हुआ हुआ था कि समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट टू डू. बट एनी वेज द गुड पार्ट इज़ के नेक्स्ट डे हमें कुछ मिल गया एंड एसी ठीक हो गया. बट स्टिल इट्स नॉट दैट फाइन अभी, क्योंकि मैंने शॉपिंग हॉल तो ईद का नहीं दिखाया था. बट आई वॉन्टेड टू शो यू कि मेरी ईद कैसे गुजरी और मेरे क्या ड्रेसेस थे और हाउ वी स्पेंड ईद. सो हियर आई एम ऑन ईद डे 3 ऑब्सेशंस बाय लराइब. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने ईद का जो फर्स्ट डे था का जो ड्रेस है, इट्स ड्रेस दैट इज फ्रॉम रंगजा. ओके सो आप लोगों में से अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी सो उसके लिए आई विल बी एडिंग सम शॉर्ट क्लिप कि ये ड्रेस मुझ पर कैसे लगा. बट लेट मी शो यू ये ड्रेस कैसा है. सो दिस इज अ फ्रॉक, लाइक रेड फ्रॉक. सो अनलाइक बहुत सारे लोगों के, मुझे ब्राइट कलर्स डार्क कलर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं फ्रॉक. और इसके यहाँ पे गले पे थोड़ा सा लाइक ये काम हुआ हुआ, इट लुक्स लाइक अ नेकलेस. और इसकी यहाँ पर जो है, जो इसका गला है, ये एक छोटी सी डोरी है, प्रिटी कूल. इसकी स्लीव्स आर लाइक बेल बॉटम और इस पर भी ये वाला काम हुआ हुआ है जो कि छोटा सा यू नो बीड्स टाइप लगे हुए हैं. सो इट लुक्स प्रिटी कूल. साथ एक जैकेट अवेलेबल थी जो कि उन्होंने अपने डिस्प्ले में भी पहनाई हुई थी बट ऑन द पेज इट्स ऑन अ डिफरेंट ड्रेस. दिस वॉज द जैकेट. सो दिस इज अ पठान जैकेट स्टाइल, आई मीन केपी से. इस पर इसका नाम कुछ इस तरह से गिवन था, इट्स अ पठानी जैकेट. आई रियली रियली लाइक्ड इट बिकॉज जिस पे काम हुआ हुआ है और जिसका पैटर्न है, जिसके कलर्स हैं, इट्स प्योरली कल्चरल. नाउ बिकॉज फ्रॉक वॉज रेड एंड जैकेट वॉज ब्लू, इट वॉज पेयर्ड अप विद अ ब्लू पजामा. सो दीज आर द बैंगल्स, दीज आर द बैंगल्स एंड रेड बहुत ज़्यादा अहम हैं. सो ये टसल्स थे, टसल इयर रिंग्स. ये लोकल मार्केट में अवेलेबल है 100 रुपीस टू 150 की रेंज में. इट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट और एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ थी इस साल हमारी ईद पे एज कम्पेयर टू पिछले सालों की ईद पे. और आज ईद के दिन भी माय सिस्टर इज ऑन ड्यूटी बिकॉज शी इज आवर डॉक्टर. सो हम उसको ईद विश करने आए हैं एंड हियर इज मामा. So you can see it. अच्छा, हमारी ईद इसलिए स्पेशल थी, एक्चुअली मेरी दोनों बहनें आर डॉक्टर्स और ये फर्स्ट ईद थी कि मेरी सिस्टर वॉज इन द हॉस्पिटल बिकॉज शी वॉज ऑन ड्यूटी ऑन ईद डे 1. सो वॉट वी डिड वॉज कि हम तैयार हुए फर्स्ट डे एंड वी वेंट टू विश हर. हमने सेल्फीज दी, बातचीत की, वहाँ पे सारा हमने देखा कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स इस दिन काम कर रहे हैं. तो आई थिंक वी शुड पे ट्रिब्यूट टू ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग इवन ऑन ईद डे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, आर्मी के लोग हों, ट्रैफिक पुलिस हो, पुलिस हो. और आशु पेशेंट ट्रीट करने के लिए राजी नहीं हुआ. ड्रेस था बाई चांस इस दफा वो भी रेड था बट दैट वॉज मरूनिश रेड. नाउ आप सबको पता है कि ईद बहुत गर्मी में आती है एंड आई ऑलवेज प्रेफर लॉन एंड कॉटन एंड दैट स्टफ. एक टाइम था जब हम बचपन में ईद में बहुत फैंसी कपड़े पहनते थे. सो फॉर नाउ अब ईद में फैंसी कपड़े पहनने हमने टोटली छोड़ दिए. सो द नेक्स्ट ड्रेस मुझे पसंद आया था, दैट वॉज ईद कलेक्शन, दैट वॉज फ्रॉम मारिया दी ईद कलेक्शन. सो आई विल शो यू के हाउ दिस ड्रेस लुक्स लाइक.
So let me tell you, ये था maroon red. अब it's ठीक है, casual and semi formal के दरमियान में कहीं fall करती है. It had this pretty work on the neck and also some pretty pearls on the sleeves. अब इसके sleeves भी कुछ semi bell bottom kind of थे. And then it had this blue stripe inside. इसके साथ जिन्होंने match किया था इस पूरी shirt के साथ, it was this blue dupatta. Now, I am fond of matching और मैं हमेशा चीज़ें matching लेती हूँ और bright colors लेती हूँ. But this is the first time or maybe one of the very few times कि मुझे ऐसा color पसंद आया that was maroon with blue and it looked really pretty to me. And not only this, they have used this tulip shalwar. There was the tulip shalwar and they had this pretty kiran on it. So, इस किरण और शलवार की वजह से this perfect outfit was perfect for me on the Eid and I really really liked it. Eid के लिए because मुझे बहुत unique लगा. एक तो इन्होंने tulip शलवार use की with this किरण because किरण again is very in. And then they used this blue net soft dupatta and this maroon shirt. So, I really liked this. And because इसके साथ golden किरण थे, so I had these heels in golden color. These were from Stylo. So, जितने भी लोग इस्लामाबाद या पिंडी में, मैं उनको ये बता दूं कि जो पिंडी में स्टाइलो है वो अपनी सेल्स पे बहुत अमेजिंग हील्स देती है, स्पेशली अगर आपके पाँव का साइज बड़ा है लाइक मी. सो देयर विल बी लॉट ऑफ पेयर्स इन सेल जो कि नहीं सही आउट होते बिकॉज वो से साइज बहुत ज़्यादा लड़कियों को नहीं चाहिए होता. सो दे हैड दिस हील्स इन अ प्रीटी मच लो कॉस्ट. और यस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी जितनी भी प्राइसेस मुझे याद है इन सारी प्रोडक्ट्स की. सो दीज वर द हील्स बिकॉज ये गले के साथ काफ़ी मैच कर रही थी एंड ऑल्सो विद द किरण. सो मैंने ये इसके साथ पहना. And I had this golden bag. और ये वाला bag जो था ये भी मैंने स्टाइलो से लिया था, पिंडी वाले स्टाइलो से. एक्चुअली मैं इस्लामाबाद रही हूँ एक साल और मैं वहाँ पर रावलपिंडी साइड पर भी काफ़ी दफ़ा गई, तो आउटलेट एक्चुअली स्टाइलो का बहुत अच्छा है. सो आई रियली लाइक दिस बैग बिकॉज दिस, एक तो ये इसका कोई लिटर झड़ता नहीं एंड देन दिस वॉज वेरी स्पेशियस और इसकी यहाँ पर एक्स्ट्रा जिप थी दैट आई रियली लाइक. और इसके साथ जो उसकी चेन थी दैट वाज आल्सो प्रीटी गुड. सो दीज आर द इयररिंग्स. टडा. सो आई थिंक दीज इयररिंग्स वर द गिफ्ट फ्रॉम समवन बिकॉज आई डू नॉट रिमेंबर बट दे वर परफेक्टली मैचिंग. सो आई थॉट व्हाई नॉट गो फॉर इट. सो मैंने इयररिंग्स ये पहने. देन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ था और मेरी रिंग्स का, तो मैंने तब ये बाई की थी. सो आई वोर दिस सेट ऑफ रिंग्स और क्योंकि गोल्ड था सारा काम, सो मैं इसका गोल्ड पहना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था इसका गला और सारा काम. सो इसकी ज्वेलरी और एक्सेसरीज जो थी मैंने थोड़ी हैवी रखी. कितने लोग हैं आप में से जो ईद अपनी सोकर गुजारते हैं? I know a lot of people do that, but let me share some plans. हमेशा अपनी ईद पे कुछ ना कुछ plan out करें. Get ready, go out somewhere, meet friends, meet relatives. और अगर friends or relatives नहीं भी उसे available, go out for food. But do enjoy your Eid. Take it as a blessing. दिन को full on enjoy करें. You will really love the Eid. और अगर उस दिन कोई भी activity नहीं है, then plan some social work. That's what I did in 2016 or 15. So अपनी ईद को हमेशा enjoy करें. Take it as a gift. टेक और कुछ नहीं तो गेट रेडी, टेक पिक्चर्स, पोस्ट वीडियोज, मीट फ्रेंड्स, कुछ भी करें बट प्लान आउट समथिंग ऑन ईद एंड यू विल एंजॉय द डे. इसको सिर्फ सोने के लिए ना बनाएं. ईद सिर्फ बचपन की नहीं होती, ईद बड़ी होने की भी होती है और ईद थ्रू आउट द लाइफ होती है. ऑल यू नीड टू डू इज टू हैव अ गुड प्लान ऑन ईद. जो मर्जी प्लान करें, यू हैव अ लॉट ऑफ टिप्स, यू कैन डू दैट एंड गो एंड हैव फन. नो मैटर मौसम क्या था, नो मैटर लोग कौन थे, नो मैटर कितनी गर्मी थी, यू हैव टू एंजॉय दिस डे बिकॉज दिस Day is special for us. So, आप सबको मेरी तरफ से once again बहुत सारा ईद मुबारक.